Namaste to all. Welcome back on my YouTube channel Vedashree Knowledge Center. Today we are going to discuss last chapter 11, Surabhi part from Surabhi part Pustakat, है ना? Surabhi पाठ्य पुस्तक से हम सभी आज जानने का प्रयास करेंगे हरिनम मां मार्य एकादश पाठ। दसवें पाठ में हम लोगों ने भर्व को पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, सीखा था क्या? चलामि मार्गे जले तरामि क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि पठामि गेहे कथां श्रृणोमि भ्रमामि नद्याः तीरे। तो वहां पर केवल हम लोगों ने क्या देखा था, अधिक से अधिक भर्व को देखा था। आज अधिक से अधिक सब्जेक्ट को भी देखेंगे, भर्व को भी देखेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए कक्षा का आरंभ करें, उससे पहले आप एक बार भगवती का ध्यान करें। ओम अशतो मा शतगमय तमशो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। अत्र एकः हरिणः अस्ति, अत्र एकः हरिणः अस्ति, देयर इज अ डियर, हियर हियर देयर इज अ डियर, यहाँ एक हिरण है। हिरण हरिणः वने भ्रमति, हिरण अ डियर मूव्स इन द फॉरेस्ट, हिरण वन में घूम रहा है। हिरणः वृक्षस्य नीचे, हरिणः वृक्षस्य नीचे घासं खादति। हरिणा, हरिणा को हम लोग मृग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृग। क्या बोलते हैं? मृग। मृग को हिरण बोलते हैं और संस्कृत में और क्या बोलते हैं? हरिणा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरण बोलते हैं ना। तो इस तरह से इसमें आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हरिणा, हरिणा, हरिणः वृक्षस्य नीचे घासं खादति। हरिणः किं करोति? वृक्षस्य नीचे घासं खादति। डियर इट्स द ग्रास अंडर द ट्री। एकः वृक्षवरः तत्र आगच्छति, एक शिकारी वहां आता है। हरिणः सवरं पश्यति, हरिणः कं पश्यति? सवरं पश्यति। हरिणः कं पश्यति? हरिणः सवरं पश्यति। हरिणः सवरं पश्यति, हरिणः दूरे धावति। सवरः हरिणं मारयितुम् इच्छति। तदैव एकः बालकः तत्र आगच्छति, तदैव एकः बालकः तत्र आगच्छति। बालकः सवरस्य समीपे गच्छति, कथयति च हरिणं मा मारय, अहं हरिणं पालयामि, एषः हरिणः अतिसरलः अस्ति। दिस डियर इज वेरी इनोसेंट, यह हिरण बहुत भोला है, अतः अति ऐसा अति प्रिय अस्ति। सो दिस इज वेरी प्रिय, सो दिस इज वेरी वेरी डियर। ओके, सवरः बालकस्य वचनं श्रुणोति, सवरः बालकस्य वचनं श्रुणोति, शिकारी बालक के वचन को सुनता है। हंटर लिसन द मेटर ऑफ द बॉय। ओके, सवरस्य हृदयदया उत्पन्ना भवति, सः हरिणं न मारति, बालकः प्रसन्नः भवति, सः हरिणे स्नेहं करोति, हरिणः अपि बालके स्नेहं करोति, हरिणः अपि बालके स्नेहं करोति। तो इस तरह से यह पाठ संपूर्ण हुआ। इसमें आप देखिए, इसमें भी हमने रेक्टेंगल लगा रखा है, रेक्टेंगल जो जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं वो सब के सब सप्तमी विभक्ति से लगे हुए हैं, और जहाँ पर मैंने टिक लगाया है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, और जहाँ पर मैंने डैश किया है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। देखिए हरिणम, जहाँ पर सवरम, जहाँ पर हमने डैश किया वहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, जहाँ पर हमने टिक लगाया वहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, और जहाँ पर रेक्टेंगल है वहाँ पर कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो और देखिए,
सब्जेक्ट नहीं है, ये भर्व है, और हरिणा क्या है? सब्जेक्ट है। हरिणा क्या है? सब्जेक्ट है। ब्रह्मति क्या है? भर्व है। ठीक है, राउंड राउंड देखिए, सब्जेक्ट और ये पश्यति भर्व, अब सब्जेक्ट और ये भर्व, स्वरः सब्जेक्ट इच्छति भर्व। तो इस वाक्य में देख रहे हैं, बालकः सब्जेक्ट आगच्छति भर्व। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि प्रदत्त वाक्य कर्तृपदम किम, सब्जेक्ट कौन सा है और भर्व कौन सा है, तो आपको इसमें पहचानना होगा। देखिए बालकः स्वरस्य से बाल का सब्जेक्ट हो गया, और ये दो दो कार्य कर रहा है, गच्छति और कथयति, दो दो कार्य कर रहा है एक साथ, जाता भी है और वो कहता भी है, इसलिए बालक का ही दोनों भर्व है, गच्छति और कथयति। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा सब्जेक्ट भर्व और ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ सीखा आपने हृदय वने दूरी, तो इस तरह से बाल के, तो जहां भी देखेंगे ए वहां जानेंगे मे। ठीक है, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, अकरण शब्द में जहां भी देखेंगे ए वहां जानेंगे मे, और जहां देखेंगे स्य वहां जानेंगे का, क्या जानेंगे का, रामस्य राम का, मोहनस्य मोहन का, पुस्तकस्य पुस्तक का, वृक्षस्य वृक्ष का। ठीक है, अकारांत के लिए, और अकारांत में ही यदि ए लगा हुआ देखेंगे तो वहां सप्तमी विभक्ति जानेंगे। ठीक है, और उसका मीनिंग निकालेंगे, में रामे राम में, मुखे मुख में, है ना, मुख में मुंह में, हस्ते हाथ में, नेत्रे नेत्र में, ठीक है आंख में, करने कान में। इस तरह से आप सभी को देखना है, समझना है, क्या समझना है, विभक्तियों को, साथ ही साथ कर्ता को और क्रिया को। उसके बाद एक श्लोक का आज हम लोग पुनः सीखेंगे, पिछले दिनों हम लोगों ने एक श्लोक सीखा था, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, इसको पढ़ा था, और उसके बाद एक और पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। तो आइए इसी श्लोक के नॉलेज के कड़ी में एक और श्लोक आज हम लोग सीखते हैं, वह कुछ इस प्रकार है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश मूर्खाश न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, इसका अर्थ हुआ कि फल लगे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, और जो गुणवान लोग होते हैं वो भी झुक जाते हैं, नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, और सूखे हुए जो वृक्ष हैं वो और जो मूर्ख लोग होते हैं वे भी, वो कभी भी झुकते नहीं हैं, अर्थात कभी भी वो नम्र नहीं होते, कभी भी वो किसी बात को समझने को तैयार नहीं होते, और अकर्ते वही हैं जो जिनमें कोई जान नहीं होती, इसलिए अकड़े नहीं, घमंड ना करें, घमंड का त्याग करें, अभिमान का त्याग करें, तभी उस परम पिता परमेश्वर का भी साक्षात्कार होगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आज एक बात और कहना था हमें, सब हमारे भारतीय संविधान में एक जो थ्री आर्स की जो परिकल्पना की गई है, थ्री आर्स में हम लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, सॉरी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, ये ही थ्री आर्स में रखे गए हैं, अतः मैं थ्री आर्स को फॉलो करता हुआ मैं आपको थ्री आर्स के रूप में संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में
आपको समझने के लिए कहूंगा, ताकि आप कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने भावों को, अपने विचारों को किसी भी लैंग्वेज में, जो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज जिसको इंग्लिश कहा गया है, उसको भी आप ना छोड़ें। साथ ही साथ आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पाठ को समझने के बाद यू मस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इन संस्कृत, इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दिस चैप्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप खुश रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। तो फिर अगली कक्षा में हम सभी मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए, धन्यवाद।